गया के विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और गया के प्रभारी मोहम्मद इजराइल मंसूरी की मौजूदगी पर बवाल शुरू हो गया। विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस विवाद में बीजेपी ने नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बिहार बीजेपी के नेता अरविंद कुमार सिंह ने नीतीश कुमार से सवाल किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार कितने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे? 17-18 से सीएम रहे नीतीश को क्या पता नहीं कि विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित? गया के विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधि विधान के साथ पूजा कर निकल गए, लेकिन पीछे रह गया एक विवाद जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल गया के दौरे पर आए नीतीश कुमार जब विष्णुपद मंदिर में पूजा करने आए तो उनके साथ कई सहयोगी और स्थानीय नेता भी थे। पूजा का पूरा कार्यक्रम सामान्य तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन मंदिर के अंदर की तस्वीर को लेकर अचानक हंगामा मच गया। इस तस्वीर में नीतीश कुमार के पीछे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और गया के प्रभारी मोहम्मद इजराइल मंसूरी दिख रहे हैं। दौरे में साथ चल रहे मोहम्मद इजराइल मंसूरी मंदिर के अंदर भी आ गए, जबकि पारंपरिक तौर पर मंदिर में गैर हिंदुओं का आना निषेध है। मंदिर के बाहर इस बारे में एक बोर्ड भी लगा है। प्रवेश किए इसकी जानकारी हम लोगों को तो नहीं था, चेहरा से हम नहीं पहचान रहे थे उनको, लेकिन जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है। सीएम के साथ वो उतरे और मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, ये उनके जमीन के और का विषय है। हमारी प्रबंधकारिणी को यदि जानकारी इस बात की होती तो उसी समय हम उनको इस बात के बारे में जरूर हम अपनी तरफ से सवाल उठाते कि भाई आपको वहाँ पर हमारा ये जो पवित्र स्थल है उस जगह पर नो एंट्री आपकी नहीं दे। मंदिर के गर्भगृह तक मोहम्मद इजराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि नीतीश कुमार को माफी मांगते हुए मोहम्मद इजराइल मंसूरी को बर्खास्त कर देना चाहिए। वो मंदिर को विधर्मियों के द्वारा अपमानित किया गया है। मंदिर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं प्रवेश कर सकते हैं। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने उनके भावना को आहत किया है, उनको उनके भावना को अपमानित किया है। अविलंब मुख्यमंत्री जी इस पर माफी मांगे और उस मंदिर को अविलंब शुद्धिकरण किया जाए, और ऐसे मंत्री जो लिखा हुआ था कि दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं, मंसूरी जी गए हैं, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गया में अपने एक मंत्री इसराइल मंसूरी जी को जो लेकर के गए थे विष्णुपद मंदिर में, तो आप 17 सालों में आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को जाने के लिए पाबंदी है? आप कुर्सी बचाए रखने के लिए हिंदुओं के भावनाओं से कितना खिलवाड़ करेंगे? कोई तो हद होगा, अपने आप को कितना गिराएंगे? गया के दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर में पूजा करने के साथ साथ फल्गु नदी पर बन रहे रबर डैम का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की, लेकिन पूरे दौरे में विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश का मुद्दा ही सुर्खियों में रहा, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पंकज कुमार, गया, आज तक।